और लक्ष्मण क्या क्या तकलीफ हमारी तो सर हर आने सर परेशानी थी हमारे तो चोरी तो मर गई थी क्या इसका इस पे तेरे को इस पे शक था किसने मरवा दी है ये हर हमेशा मुंह पे कहते हैं और घटना हो जाती है जादू छोड़ना भी करते हैं आता ही नहीं मगर ये मान लो इतने मान लो एक साल में ऐसा हो जाए कसम वास्ते में हो जाता है अगर अभी इसने कहा था कि तेरी छोरी मर जाएगी अभी अभी भी कहा था अभी भी कह रहा कहा था और फिर भी मर गई इसको बात की उसने कुछ भी नहीं रहेगा तो मारने क्या जरूरत है तू पुलिस में रिपोर्ट कर देता सारे उल्टे रिपोर्ट करती है ऐसी बातें करती है सारे गोली चलाने की क्या जरूरत पड़ी वो मैंने सोचा नहीं है आदमी बुलाकर चौकीदार बंदूक से जो अब ये जो रमेश है जिसने मारा है ये रमेश क्या है अक्सर किसानों के खेतों पे जाता है वो लोग कहते हैं साहब हमारे घर से तो ऊपर देखो ना सामने देखो और 19 अप्रैल की दरमियानी रात को यहाँ डैया गांव में गुजरात सीमा पर एक अपराधी कालू बरंडा के घर में रात्रि में अज्ञात व्यक्तियों ने दीवार के पीछे से फायर करके उसकी बेटी को जान से मार दिया और उसकी पत्नी के भी छर्रे लगे थे जिसकी बेटी पूजा की 6-7 साल की उम्र है जिसके दौरान इलाज हॉस्पिटल में मौके पर डेथ हो गई पत्नी इलाज होने से बच गई। ये घटनाक्रम हुआ और हम लोग मौके पर पहुँचे इसके बाद एक विशेष टीम का गठन किया। इस टीम ने जब अनुसंधान किया तो पता चला कि उसी का जो एक चाचा का भाई है लक्ष्मण बरंडा प्रार्थी कालू बरंडा का ही रिश्तेदार है उसने कालू की पत्नी हुकली के डायन होने की अंधविश्वास की आशंका के चलते उसको अपने साले मुकेश के थ्रू 30,000 रुपये उसका सुपारी टाइप पैसे देकर जो साला मुकेश है उसने अपने साथी रमेश को तैयार किया जो टोपीदार बंदूक वगैरह चलाना जानता है। इन लोगों ने टोपीदार बंदूक उस रात्रि लगभग 12-1 बजे वहाँ जाकर टोपीदार बंदूक से सोती हुई माँ और बेटी एक ही खाट पर सो रही थी हुकली और उसकी बेटी पूजा उन पर फायर किया। फायर में पूजा के सिर में छर्रे लगने से उसकी मौके पर डेथ हो गई। हुकली का इलाज के दौरान बच गई वो। हमने इसमें मुख्य आरोपी लक्ष्मण बरंडा और उसके साले मुकेश और जो रमेश डामोर है उसको भी हमने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। रिमांड पे लेंगे हम हथियार और जो अन्य बरामदगी है वो करेंगे। हाँ लक्ष्मण जो मुख्य अभियुक्त है लक्ष्मण जिसने अपने दो साथियों के लाकर इसको हुकली पर फायर कराया इनकी मारने की जो मुख्य टारगेट हुकली था जो प्रार्थी कालू की पत्नी कालू बरंडा की पत्नी है हुकली पर ये डाउट करते थे कि साहब हुकली कोई भी टोना टोटका करती है वो जो भी बातें कहती है वो सच हो जाती है। कुछ दिनों पहले ही इस लक्ष्मण की बेटी की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में तो इन सबको ये डाउट था कि साहब ये जो हुकली है टोना टोटका करती रहती है। आदिवासी इलाके में कई बार इस तरह के अंधविश्वास चलते ऐसी घटनाएँ होती है। ये भी घटना इसी अंधविश्वास जो डायन प्रथा का ही परिणाम है। ठीक है।